कौन सा महादेव है पापा? ये एकलिंग महादेव है। महाराणा प्रताप ने जब अकबर से वो युद्ध हुआ था ना नंदी घाटी से जब चेतक से लेकर निकले थे तो यहाँ पर आकर के छुपे थे, यहाँ भी उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। अच्छा, तो कितने साल पुराना है ये? ये हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था उसका इतिहास देख लो और उससे जोड़ के इसको आज जोड़ लो, इतने सालों तक पुराना है ये। मतलब तब से वो मंदिर ऐसा कैसा ही है? नहीं, उसके बाद में तो इसमें व्यवस्थित पूजा पाठ होने लग गए, इसलिए अब ये धीरे धीरे स्वरूप बदलता गया, जंगलों के बीच में है, बारिश के मौसम में और श्रावण भादे में लोगों का आना होता है। अभी भी लोगों की पहुंच से दूर है, काफी लोग नहीं जानते इस जगह को। वो नदी है मगई नदी, नीचे चल रही है, मगई नदी कहते हैं इसको, ये आगे आएगी, पहाड़ों से पानी आता है, उसकी एक धारा है यहाँ से। तो जो अपन जिस रास्ते पर अपन चल रहे हैं वो भी मतलब नदी है, वहाँ पानी आता होगा जब आती है। आ जाओ बैठो, पापा खड़े रहेंगे, चलो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे और काफ़ी जंगलों के बीच में आया हुआ ये, तो कई सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं इस मंदिर के बारे में। और जैसा कि हमने पहले बताया कि जब महाराणा प्रताप के टाइम से ये मंदिर है, उतने ही साल इस मंदिर को भी हो गए हैं, तब शिवलिंग वही है, कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया है इसका, काफ़ी पहाड़ों के बीच में आया हुआ ये। मतलब बहुत डेंजर, मतलब बहुत ऐसे थोड़ा तेज से आवे ना ये अरविंद के सिद्धांत को फलीभूत करते हुए। कितनी बार ओम नमः शिवाय।